बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको ठीक रखे और आप खुश रहें, ता खुशियाँ बांटते रहें। जी, वीडियोस को कंप्लीट देखा करें ताकि जो है आपको लेक्चर की समझ आ जाए कि क्या चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। और हमारी कमांड जो है स्टेप बाई स्टेप, हम आल कमांड्स होती हैं हमारी जो आपकी यूज़ होने वाली होती हैं। और इसमें कुछ पूछना हो, क्वेश्चन आपके हों तो आप उसे पूछ भी सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरी जो है वीडियोस है उसको शेयर और लाइक कमेंट लाज भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच जाए। आज हमारा लेक्चर था फॉर्मेट सेल था, पिछली बार नंबर पढ़ा था हमने, फॉर्मेट सेल के जो नंबर से हमने कंप्लीट किए थे, आज हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट के बारे में। तो फॉर्मेट सेल को हम यहाँ से भी देखें, हम भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, करेंसी यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, टाइम भी, डेट भी, करेंसी भी, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, आप अलाइनमेंट्स में आएंगे। अलाइनमेंट्स में होता है लेफ्ट सेंटर राइट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट सेंटर राइट क्या होता है, हम ये सेल का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। फॉर्मेट जाके रो हाइट में जाएंगे, इसको 30 का साइज़ दे देंगे। अब देखें लेफ्ट सेंटर राइट, ये सेल का अमाउंट जा रही है टॉप सेंटर बॉटम, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप सेंटर बॉटम। आप कंट्रोल वन करेंगे, अगर अलाइनमेंट्स में आ जाएंगे, यहाँ से आप कर दें लेफ्ट का टॉप, तो लेफ्ट का टॉप हो जाएगी राइटिंग्स। आप करें सेंटर का बॉटम, तो सेंटर का बॉटम हो जाएगा। आप करेंगे राइट का टॉप, तो राइट का टॉप हो जाएगा। आप यहाँ से करें और जब यहाँ से करें तो एक ही बात होती है। इसके बाद आप आते हैं रैप टैक्स, यानी रैप टैक्स क्या होता है, एक डाटा है। अब यहाँ पर लिखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी प्रोफेशनल, हम कहते हैं ये इंस्टीट्यूट आईटी प्रोफेशनल है। ये आ रहा है थ्री सेल्स में, हम थोड़ा सा सीख करके इसको बड़ा कर लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, कैसे तो कंप्लीट हो जाएंगे। हम चाहते हैं सिर्फ ये जो आईटी प्रोफेशनल है एक ही सेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एक रो अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वन करेंगे, इसे यहाँ से लिखा हुआ है रैप टैक्स निशान नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे देखें वो आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी प्रोफेशनल नीचे लिखा हुआ आपके आ गया है, ठीक है जी। आप कंट्रोल वन करेंगे, इसे ख़त्म करना ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ लिखा हुआ रैप टैक्स यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आसान चीज़ है। उसके बाद श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट का मतलब क्या होता है, आप चाहते हैं डेटा सेल में कन्वर्ट हो जाए, नीचे नहीं आए, एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए, एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो आप ये करेंगे श्रिंक टू फिट कर देंगे, तो ये एक लाइन में देख कन्वर्ट हो गया है, बहुत बारीक हो गया है, थोड़ा सा नज़र नहीं आएगा आपको, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका ये है कि इसे आप बड़ा करते जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे छोटा हो जाएगा, श्रिंक टू फिट। ख़त्म करने से आप सेलेक्ट करें, इसे श्रिंक टू फिट ख़त्म कर दें, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब लिखा है मर्ज सेल क्या होता है, जोड़ना होता है, सेलेक्ट करें आप करेंगे कि तीन चार सेल सेलेक्ट किए हैं आपने, आप चाहते हैं एक सेल बन जाए, मैं जो भी लिखूँ एक सेल लिखा जाए, तो इसे मर्ज सेल कर दें, कंट्रोल वन अलाइनमेंट में मर्ज सेल, तो इससे क्या होगा एक सेल बन जाएगा, मर्ज हो जाएगा, लिखेंगे तो एक सेल लिखा जाएगा। एक सेल लिखा जाएगा, ठीक है जी। ख़त्म करना हो यहाँ से सर्च खत्म कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, यहाँ से नहीं करें कंट्रोल वन से मर्ज से ख़त्म कर देंगे। उसको आता है टेक्स्ट रिलेशन, मतलब डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट की, आप यहाँ लिखते हैं कुछ भी, लिखते हैं यहाँ पर लूज, कंट्रोल वन टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दें, ऐसे इससे क्या होगा टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी।
कंप्लीट एस। टेक्स्ट टेक्स्ट कह दिया कंप्लीट, सीधा हो जाएगा स्टेट। कंट्रोल वन करेंगे इसे हम कर दें खत्म। आप यहाँ से भी कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज यहाँ से, लेकिन उसमें तो एंगल दे रहे किस एंगल पे आपने उसको रोकना है, कहाँ उसको आपने लगा सेट करना चाहते हैं तो उसको रोक सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप डाउन लेफ्ट राइट की तरफ। तो वहाँ पर ये होता है कंट्रोल वन से हम किसी भी एंगल पे इसको हम कहीं भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं फॉन्ट की जानी। फॉन्ट में क्या है, राइटिंग स्टाइल्स हैं, मतलब कोई राइटिंग स्टाइल आप सिलेक्ट करने हो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फॉन्ट में यहाँ से भी कोई राइटिंग स्टाइल्स, बोल्ड साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डबल लाइन लगा सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। देखिए सारे वर्ड्स इंक्रीज हो गए हैं। आप इन्हें यहाँ से भी नॉर्मल कर सकते हैं या कंट्रोल वन में एक साथ नॉर्मल करना हो तो लिखा अगर नॉर्मल फॉन्ट, नॉर्मल फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे सब नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं एक्सटेंशन, मतलब कि लाइन को क्रॉप करना है, क्रॉस करना है। कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो हम राइटिंग में नज़र तो आए पर क्रॉस हों, उन्हें हम कट कर देंगे ऐसे। देखिए वो वर्ड्स जो हैं वो क्रॉप हो गए हैं, ठीक है जी। कंट्रोल वन करेंगे इसे ख़त्म कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, एक्स के टू होता है। आप यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्केयर टू, आप टू को सिलेक्ट, जस्ट टू को सिलेक्ट करना है। आप कंट्रोल वन करेंगे सुपर स्केयर कर देंगे। अरे वाई स्केयर टू, आप टू को सिलेक्ट करें, कंट्रोल वन करेंगे सुपर स्केयर कर देंगे, ठीक है जी। एक्स स्केयर टू सुपर स्केयर, वाई स्केयर टू सुपर स्केयर। अब ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है, आते हैं आप एफ एस सी सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल वन, सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा एफ एस सी सब स्क्रिप्ट, ठीक है जी। सुपर मतलब पावर में आ जाएगी, एक्स को पावर में ले आएंगे और सब मतलब एफ एस सी सब नीचे होता है, नीचे होता लिखा हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और कमेंट्स और लाइक कर दिया करें, और थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोस। और उसके लिए उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।